हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल जोजस स्टडी पर स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। आज मैं लेकर आई हूं जीके ज्ञान। आज हमारी 17th क्लास है और हमारा टॉपिक चल रहा था सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, और जिसे हम कहते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। इसकी दो क्लासेस पहले कम्प्लीट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने 6 टॉपिक्स कवर किए, 6 देशों के संविधान के बारे में बताया और उनसे हमारे संविधान में क्या लिया गया है ये मैंने आपको बताया है। और जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो हमारे कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो ये सब में जो है ये मैं सारा कवर कर चुकी हूँ। आपको अगर देखना है तो हमारे आप 15th और 16th वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशंस, ऑस्ट्रेलियाज कॉन्स्टिट्यूशंस, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकाज कॉन्स्टिट्यूशन और सोवियत संघ का कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा जापान का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा पहला है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशंस, फ्रेंच मतलब फ्रांस का संविधान। इससे हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। हमारा पहला पॉइंट है गणतंत्रात्मक ढांचा। हमारे संविधान का जो गणतंत्रात्मक ढांचा है या रिपब्लिक स्ट्रक्चर जो है, जो कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। हमारा दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता के आदर्श, आइडियल्स ऑफ लाइबिलिटी, इक्वलिटी एंड फर्मिबिलिटी, ठीक है, फेटर्मिटी, ठीक है। ये जो है हमारे कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। दो पॉइंट्स लिए गए हैं, गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। हमारे कहाँ से लिए गए हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आंसर लगाइएगा फ्रेंच या फ्रांस का संविधान। फिर आगे चलते हैं, हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है, पहला पॉइंट है समवर्ती सूची। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है वो हमारे अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हमारी समवर्ती सूची कौन से उस अनुच्छेद में है, तो वो 108 है। वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। हमारा दूसरा पॉइंट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, मतलब हमारे जो दोनों संसद हैं, ठीक है, उनकी जो संयुक्त बैठक जो होती है किस संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसको हम कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये हमारे कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारा तीसरा पॉइंट है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेज। ठीक है, हमें फ्रीडम है कहीं भी व्यापार करने की, कहीं भी कर सकते हैं व्यापार, लेकिन विद इन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस, जैसा कि बोला जाता है। और तो ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला पॉइंट है जर्मनीज कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का संविधान। इससे हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, जर्मनी के संविधान से हमारा क्या क्या लिया गया है। तो हमारा एक ही पॉइंट आता है इसमें, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, मतलब आपातकाल जो हमारा आता है उस समय हमारे जो मूल अधिकार जो होते हैं उनका स्थगन कर देना। ठीक है, ये किस संविधान से लिया गया है, वो हमारे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। हमारा नाइन्थ पॉइंट आता है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका का संविधान। इससे हमने क्या क्या लिया है, तो इससे हमने लिया है साउथ अफ्रीका का जो संविधान है उसमें हमने क्या क्या लिया है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, कहाँ के, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ये हमारे किस
संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो कहाँ से लिया गया, तो उसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका से। हमारा दूसरा पॉइंट है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। अगर हमारे संविधान में किसी तरह का कोई संशोधन होना है, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी हमारे लिया गया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। आगे चलते हैं, हमारा आता है सोवियत संघ। क्या आता है? सोवियत संघ। सोवियत संघ जिसे हम USSR, ठीक है, USSR कहते हैं, ये उसके संविधान से क्या क्या लिया गया है। पहला है प्रस्तावना में सोशल इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो हमारे जस्टिस का जो आदर्श है, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल जस्टिस का जो आदर्श है वो कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ या USSR से लिया गया। हमारा दूसरा पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारी कहाँ से ली गई है, तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारी सोवियत संघ से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं, सोवियत संघ से। अब हमारा एक और बचा है, वो हमारा लास्ट पॉइंट है जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जापान का संविधान। इससे हमारा बस एक ही पॉइंट लिया गया है, वो है विधि द्वारा स्थगित प्रक्रिया, मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ठीक है, विधि द्वारा स्थगित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये हमारे कहाँ से लिया गया है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो अक्सर हमारे एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते थे, मैंने वो सारे कवर किए हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करिएगा और हमारे चैनल जोजस स्टडी को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स को बताइए, और इसके पास हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और उसके पास में लगे बेल आइकन को हिट करिए। हिट करने से आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और किस तरह की कोई प्रॉब्लम आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक और बात, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो एक लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं पसंद आई है तो दो लिखिएगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो हम व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। ओके बाय, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय बाय।